उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ शफकत भाई के पोल्ट्री फार्म पे। तो आज माशाल्लाह से इनका चूज़ा जो मेरे ख्याल से कि 37-38 दिन का हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे और पूछेंगे कि कब तक इन्होंने सेल करना है, इसके बारे में हमसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। तो पहले हम आपको दिखाएंगे चूज़ा, चूज़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे शफकत भाई से। तो उसके बाद जो हम बात करेंगे शफकत से, पहले हम आपको दिखाएंगे चूज़ा। फ्रेंड देखें, शफकत भाई ने जो है वो तरपालें वगैरह लगा दी हैं, क्योंकि अब मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है। तो ये दरवाज़े वाली जगह पे भी लगा हुआ था, ये हमारे लिए इन्होंने हटा के दरवाज़ा खोला है। तो अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं चूज़ा। तो चूज़े के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लेंगे शफकत भाई से, पूछेंगे कितने दिन का हो चुका है और जो है कितने दिन रखना है इन्होंने, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लेंगे शफकत भाई से। तो देखें फ्रेंड, माशाल्लाह से चूज़ा आप देख सकते हैं सारा एक्टिव है। तो फ्रेंड देखें, ये इन्होंने तरपाले जो है लगाई हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि अंदर गैस जो है इसकी वो ना हो, अंदर बंद ना हो बिल्कुल भी। वेंटिलेशन के लिए इन्होंने हटाया भी हुआ है थोड़ा सा पर्दा, लेकिन लगाया भी हुआ नीचे से। तो देखें, ये हाथ तरफ से इन्होंने ऐसे ही बंद किया हुआ है और थोड़ी थोड़ी जगह से इन्होंने छोड़ा हुआ है वक्फा, ये देख सकते हैं आप सारा, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है, रात का मौसम, तो इसलिए इन्होंने गैस भी अंदर ना हो और बंद भी रहे, इसलिए इन्होंने थोड़ा थोड़ा खोला भी हुआ है इसको। तो बाकी चूज़ा आपके सामने है, माशाल्लाह एक्टिव है सारा। इनसे आज पूछेंगे कि फाइनल इन्होंने कब तक सेल करना है इसको। तो फ्रेंड शफकत भाई आ चुके हैं हमारे साथ, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे चूज़े के बारे में और इनसे पूछेंगे कितने दिन का हो चुका है, कब तक सेल करने का प्रोग्राम है, और आगे कोई वैक्सीनेशन का भी इनका कोई प्रोग्राम है या नहीं, उसके बारे में पूछेंगे शफकत भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। हाँ जी शफकत भाई, की हाल चाल है थोड़ा? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। शफकत भाई, सानू यह दस्सो पहले कि जेड़ा चूज़ा है इस टाइम माशाल्लाह किन्ने दिनों का हो चुका? चूज़ा अपना 38 दिन का हो गया माशाल्लाह। 38 दिनों का हो गया। हाँ, तो चूज़े नूं अगे थोड़ा प्रोग्राम की है, सेल करने का की प्रोग्राम है? असीं नूं इंशाल्लाह 50 तों 55 दिन तक लैके जावांगे। 50 तों 55 दिन तक? हाँ जी। तो 50 तो 55 दिन का मतलब है कि कितना वजन कर जाएगा 55 दिनों के बीच बीच? 400 तो 450 ग्राम इंशाल्लाह एवरेज बना जाएगा वजन। 400 तो 450? हाँ जी। तो इस टाइम ये वजन की दे रहे हैं? इस टाइम ये तो 290-300 ग्राम एवरेज है, मतलब 300 ग्राम तक इस टाइम एवरेज है। सही हो गया। तो अगे भी होर कोई वैक्सीनेशन इन्हें करनी है तुसी या नहीं करनी, या यह कंप्लीट हो चुका थोड़ा इहदा प्रोसेस? वैक्सीन बस असीं दो ही करते हैं, कंप्लीट है साडी। सही। तो वैसे एक तीसरी भी होंगी रानी केद वास्ते, लेकिन नहीं कोई मसला है अलहमदुल्ला, अपना चूज़ा ठीक, मतलब कि हम इस टाइम चूज़ा सारा माशाल्लाह ठीक है, तो जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन वह जी तुम वैक्सीन इन्हों करना चाह रहे हैं या करते हैं, वो जरूरत पैंते करते हैं या कि वैसे भी जरूरी है करनी? एक रानी खेत की वबा वा, वैसे अक्सर घरेलू चूजें भी आ जाती है। सही। तो इस वजह तो होंगी, लेकिन इस टाइम मौसम भी ठीक है, उसका बीमारी का भी कोई वो नहीं है। अगर कोई बीमारी का होगा ना जोर इस चीज़ से, मतलब कि इस टाइम देखा जाए कि ये ज़्यादा 5 महीने ना ज़्यादा आती है। ठीक हो। इस टाइम नहीं है, कोई मौसम भी ठीक है, बाकी
ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ 18 ਦਿਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ 18ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀਤੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ NDIB ਤੇ ਗੰਬੋਰੋ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਫਰੈਂਡ ਹਮਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਈ ਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਚੂਜ਼ਾਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ तो इनका जो प्रोग्राम है सेल करने का वो 50 से 55 दिन का है। तो इस टाइम जो मौजूदा इनका वेट है चूजे का वो तकरीबन जो है वो एवरेज के हिसाब से देख लीजिए वो तो 300 तक है। तो आगे जो इनका प्रोग्राम है उसको वज़न को बढ़ा के कि जितनी ग्रोथ इनके पास यहाँ पे अच्छी हो जाएगी वो ख़रीदने वालों के लिए भी बेहतर होगी कि वो जल्दी से जाके अंडा देना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन वो नवंबर में तकरीबन 15-20 नवंबर तक अंडा देना ये स्टार्ट कर देंगे। इनका ये है कि इसलिए हम इनको और मज़ीद रखेंगे क्योंकि ये इनको खुराक डालते हैं अगर घर वाले जब लेते हैं उन्होंने नॉर्मल जो दाना होता है या रोटी चूर के वही डालनी होती है तो वहाँ पे ये ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो करते हैं। तो इसलिए इनका प्रोग्राम है कि ये वज़न को बढ़ा के इसकी ग्रोथ को बेहतर करके फिर वो ये सेल करना चाहेंगे अपने चूज़े को। तो फ्रेंड अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप वीडियो के कमेंट्स में कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना हो। तो सबसे पहले तो आप चैनल को कर लिया करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।